हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, सोशल स्टडी। पहला क्वेश्चन, द सिटी ऑफ पोम्पोई इन इटली वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द नेचुरल डिजास्टर इन 79 AD। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द रिमार्केबल वेल प्रिजर्व शेप बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज डिस्ट्रॉयड। वॉट डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ पोम्पोई? पोम्पोई जो सिटी था वो किस नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था? तो है आपका वोल्केनिक इरप्शन। क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूड दैट डिटरमाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास थ्रू। तो देखिए, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है? ये अर्थ है। अर्थ से ऊपर की तरफ से जो लाइन नीचे की तरफ आती है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, और जो लाइन इधर से ऐसे जाती है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में कहाँ से पास होता है? तो ये पास होता है मिर्जापुर से, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक, लंदन से जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया माइग्रेटेड टू आइलैंड कॉन्टिनेंट मिलेनिया एगो एंड एग्जिस्टेड आइसोलेशन बिफोर एक्सप्लोर डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया। दे लीड सिंपल नोमैडिक लाइफ बींग हंटर गैदर्स। वाट आर दे कॉल्ड? तो इन्हें हम क्या बोलते थे? इन्हें हम बोलते थे ऑप्शन नंबर सी, एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वाडोर पेरू चिले एंड पैराग्वे आर ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका ऑन विच ओशियन इज द मेजर पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन चिले सिचुएटेड। ठीक है, तो देखिए, तो ये कहाँ पे इसका कोस्ट लाइन है? तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन में। साथ ही साथ मैं कैपिटल बता दे रहा हूँ, इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्वीटो, QUITO, क्यूटो। ठीक है, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा, लीमा। चिले की कैपिटल क्या है? सैंटियागो, सैंटियागो। फिर है पैराग्वे, पैराग्वे की कैपिटल क्या है? एसुनक्यौन, ASUNCION, एसुनक्यौन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैन मेरिनो इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द इंटेंटेड इनेक्टेड इन, मतलब कि 1600 ईस्वी में, मतलब ठीक है ना, 1600 में, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इफेक्ट। और ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो इफेक्ट में है। इट इज़ सराउंडेड बाई विच कंट्री? ये किस कंट्रीज के सराउंडिंग में है? ठीक है ना, किस कंट्री से सराउंडेड है ये? तो ये है आपका इटली। ठीक है ना, इटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दिस डेजर्ट कवर्ड पार्ट्स ऑफ चाइना मोस्ट ऑफ मंगोलिया। इट सफर्स फ्रॉम हैविंग मोस्ट ऑफ इट्स रेन ब्लॉक बाई द हिमालय। दिस नेम दिस डेजर्ट, तो ये डेजर्ट का क्या नाम है? तो इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। थार डेजर्ट देखिए इंडिया पाकिस्तान में है, अटकामा कहाँ पे है? आपका चिले में। और यहाँ पे नामिब जो डेजर्ट है ये आपका कहाँ पे है? नामीबिया में है। ठीक है ना, साउथ वेस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है नामीबिया, वहाँ पे ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फाइनल 1950s। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर एट क्या है? इन विच ऑफ कंट्री वुड यू फाइंड टियरा डेल फ्यूगो नेशनल पार्क? तो ये नेशनल पार्क आपका किस कंट्री में है? तो यह है आपका अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनो आयरस। क्या है? ब्यूनो आयरस। इक्वाडोर की कैपिटल मैंने बता दिया है क्वीटो, ब्राजील की ब्राजीलिया, और चिले की सैंटियागो। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है? इटली हाउसेस टू आर द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। द वन इज द वेटिकन एंड अदर इज द, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका सैन मैरिनो। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर कैपिटल इंडिया वाज शिफ्टेड टू कोलकाता? तो कोलकाता से कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट की गई? 1911 में, 1911 में। अब्राहम लिंकन द 16 US प्रेसिडेंट वॉज वॉचिंग द प्ले ऑफ अमेरिकन कजिन एट द फोर्ड थिएटर विथ हिज वाइफ व्हेन ही वॉज असिनेटेड। यानी कि यहाँ पे इनकी हत्या की गई, तो इनको किसने मारा था? तो इनका नाम है जॉन विल्क्स बूथ। ठीक है ना, जॉन विल्क्स बूथ ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ नेपाल। नेपाल के अंतिम राजा थे।
हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, आइडेंटिफाई हिम, तो ये कौन है, तो इनका नाम है ज्ञानेंद्र, वीर विक्रम, शाहदेव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द जुडिशियल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की जो जुडिशियल कैपिटल है वो कौन है, ये है ऑप्शन नंबर डी ब्लोएम फोर्टेन, क्या है, ब्लोएम फोन्टेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द मिड डे मील स्कीम इज स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेशन वाइड, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एलोकेट फंड्स टू मीट विद द कन्वर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स इनटू कुक्ड मिड डे मील्स, तो ये कब शुरू हुआ मिड डे मील, तो ये शुरू हुआ 2004 में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा है फंडामेंटल राइट, तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन, क्या है, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ पे आते हैं नेम ऑफ रिवर और ये किस कंट्री में बहती है ये आपको बताना है, तो विस्टूला नदी आपकी कहाँ पे बहती है, पोलैंड में, ठीक है। मेन नदी आपकी कहाँ पे बहती है, तो ये आपको बहती है जर्मनी में, ठीक। फिर है एसिक्विबो, एसिक्विबो नदी आपकी कहाँ पे बहती है, गुयाना में, ये हो जाएगा ए। फिर है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल रिवर आपकी कहाँ पे बहती है, ये आपकी बहती है सूडान में, तो हो जाएगा ई नंबर। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप कहाँ पे है, बारबाडोस, ठीक है, तो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, द पेरियार नेशपा लोकेटेड इन तमिलनाडु, पहला ही आपका गलत है, ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है, केरला में है, KERA, केरला, केरला में है पेरियार नेशनल पार्क, तो पहला गलत। फिर है तिम्बुकुतु इज द हिस्टोरिकल एंड स्टिल इनहेबिटेड सिटी ऑफ माली, तो बिल्कुल ठीक है। जिन्नगाड़ा पीक नियर अराकू वैली द टैलेस्ट पीक ऑफ एस्टर्न, देखिए एस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा पीक है वो आपका क्या है, जिन्नगाड़ा, तो ये भी ठीक है। कांगो रिवर इन अफ्रीका क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, तो कांगो रिवर जो इक्वेटर लाइन से दो बार काटती है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ गलत है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्क्रिप्शन आर सीन ऑन रॉक्स पिलर्स स्टोन स्लैब्स वॉल्स ऑफ बिल्डिंग एंड बॉडी ऑफ टेम्पल्स, दे सप्लाई वैल्यूएबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ गुप्ता एज, तो गुप्ता एज में जो आपके आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स थे वो कौन कौन से, प्रयाग प्रशस्ति जिसे हरिसेन ने लिखा है, और है मंदसौर इंस्क्रिप्शन, ये मंदसौर नाम की जगह एमपी में है, ठीक है ना, और ये 5th सेंचुरी में आपकी लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भीम बेटका की गुफाएं भी आपकी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये गुप्त पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन वॉज इनक्रिप्टेड बाय द एम्परर ऑफ, तो देखिए हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा किया गया, तो कलिंग, ठीक है ना, पहला हो जाएगा कलिंग, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, कलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द 2nd सेंचुरी इन BCE, इट कंसिस्ट ऑफ डैश लाइंस ऑफ द सेंट्रल वेस्टर्न फॉर्म डैश प्राकृतिक इज द डीप कट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कंसिस्ट है लाइन, कितनी लाइन है, 17 लाइन है, और यहाँ पे जो डीप कट लिखा गया है वो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा गया है, BRAHM ब्राह्मी, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच आपको लगाना है, कौन सा है, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल ठीक है। फिर है गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न चाइना साउदर्न मंगोलिया, ये भी ठीक है, और ये ठंडा रेगिस्तान है गोबी डेजर्ट, ठीक है। गर्नी नामिब डेजर्ट साउथर्न अफ्रीका, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सहारा डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न है, तो नॉर्थ वेस्टर्न नहीं होगा, नॉर्थ वेस्टर्न नहीं है, ये नॉर्थ साइड में है, कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया लिखा है, नॉर्थ अफ्रीका में है, कौन, सहारा डेजर्ट, तो यहाँ पे गलत है सिर्फ फोन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्त वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपको QR कोड दिखा दे रहा हूँ, अगर आप उसे स्कैन करके कुछ मुझे सेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये है दोस्तों मेरा QR कोड, और अगर आप कुछ सेंड करना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन करके मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 है क्या, तो चैप्टर नंबर 7 है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड है उससे भी जल्दी ही वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।